अब एक नियम है कि योग अभ्यास जब आपको करना है तो उस समय आपका पेट खाली होना चाहिए। पेट खाली होने का मतलब भोजन करने के लगभग 3 से 4 घंटे के बाद आप अभ्यास करें। अब एक समस्या क्या आती है, जब आपने अभी भोजन कर लिया, 3 से 4 घंटे हो गए और अब आपको अभ्यास करना है, और अभ्यास करने से तुरंत पहले आपको बहुत तेज़ भूख लग रही है। ये तो उन लोगों के लिए हो गया जो लोग दिन में अभ्यास करते हैं। अब कई सारे लोग ऐसे हैं कि जो सुबह उठते ही अभ्यास करते हैं और उठते के साथ में ही उनको बहुत तेज़ भूख लगने लग जाती है। तो इसमें क्या करें, क्या भूखे पेट अभ्यास करें? और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनसे भूख बर्दाश्त नहीं होती और उनको लगता है कि अब कुछ खाएं। तो इसमें एक या दो आपको ऐसी चीज़ें बता देते हैं जिसमें आप अभ्यास करने से लगभग 5-7 मिनट पहले भी खा सकते हैं, तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। क्योंकि जब आप अभ्यास करेंगे, कपालभाति जब हम करते हैं, विशेष रूप से यदि हम समझें जिसमें हम, तो अगर पेट में आपके कुछ पड़ा होगा तो वो ऊपर की तरफ आने लगेगा। आपने अभी कुछ खाया और अभी कपालभाति कर रहे हैं तो वो ऊपर आने लगेगा। परंतु जब आप 1.5 घंटा या 1 घंटा अभ्यास करेंगे तो कपालभाति का जो नंबर आएगा वो आएगा अंतिम में, क्योंकि क्रम के अनुसार पहले आपको सूक्ष्म व्यायाम करने हैं, आसन करने हैं, फिर प्राणायाम करना है। तो जिन लोगों की यह समस्या है कि सुबह उठते ही भूख लगती है और सुबह अभ्यास भी करना है, या जो लोग शाम को अभ्यास करते हैं तो खाना तो खा लिया 2 बजे या 3 बजे, अब 6 बजे या 7 बजे अभ्यास करना है तो बहुत तेज़ भूख लग रही है, तो उस समय आप 2 खजूर और 1 केला खा सकते हैं। इतना खाने से आपकी भूख थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएगी और आप अभ्यास आराम से कर पाएंगे। क्योंकि उसका भी कोई अर्थ नहीं है कि आपको भूख बहुत तेज़ लग रही है और आप भूखे पेट ज़बरदस्ती अभ्यास कर रहे हैं और सारा ध्यान आपका लगा हुआ है भूख में, और कई लोगों को भूख बर्दाश्त नहीं होती जिसकी वजह से पेट में दर्द होने लगता है या पेट से आवाज़ आने लगती है। तो अपनी भूख को ना रोकें, परंतु ऐसा भी नहीं है कि आप कुछ खा के अभ्यास करें। जब बहुत ज़्यादा मजबूरी हो या ना रोका जाए तो विकल्प के रूप में, वीडियो में ये नहीं बताया जा रहा है कि ये खाकर ही आपको अभ्यास करना है, ये केवल उनके लिए है जिनको भूख बर्दाश्त नहीं होती या बहुत ज़्यादा भूख लगती है, तो 1 केला 2 खजूर खा सकते हैं। खजूर खाएं या ना खाएं, 1 केला, छोटे केले हो तो 2 केले खाकर आप अभ्यास कर सकते हैं।